हाँ बच्चों, आप लोग क्लास 7 में संस्कृत 3 पढ़ रहे हैं आज पाठ 1, जिसमें है आपका व्यवहार वाक्यानी। व्यवहार वाक्यानी का मतलब हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप यानी बातचीत, तो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग या व्यवहार में आने वाले विभिन्न वाक्य बोल सकते हैं या वार्तालाप, हम लोग जो बातें करते हैं। पहला है आपका अभिवादनम। अभिवादनम का मतलब किसी का जैसे हम लोग संबोधन करते हैं, आदर करते हैं, संबोधन, या इसको हम लोग आदर शब्द लेते हैं, जैसे प्रणाम बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं, नमः बोलते हैं, तो ये सब हमारा हो गया अभिवादन में। दूसरा है किम गृहे सर्व कुशलम। यहाँ हमको प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या हाँ हम सब वो क्या घर में सभी कुशल हैं, हमारे घर में सभी कुशल हैं। किम गृहे सर्व कुशलम, आंसर इसमें आता है कि आम। आम मतलब होता है हाँ। गृहे सर्व कुशलम, हाँ लिख सकते हैं, हाँ घर में सभी कुशल हैं, या जी हाँ, जी हाँ कहकर के हाँ हम लिख सकते हैं कि घर में सभी कुशल हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है त्वं किं कक्षायां पठसि, तुम किस वर्ग में पढ़ती हो, ये क्वेश्चन है। आंसर आपका है संस्कृत में अहम सप्तम कक्षायां पठामि, मैं सातवें वर्ग में पढ़ता हूँ। इसलिए बच्चों जो जिस वर्ग में पढ़ते हैं, सातवें वर्ग की जगह हम क्या कर सकते हैं, जिस वर्ग में हम पढ़ते हैं सातवें आठवें नौवें वह लिख सकते हैं, पर जो महिला है लड़कियां हैं वो पढ़ती है। चार नंबर है अद्य प्रातः काले त्वं किम् अखादत, आज सुबह में तुमने क्या खाया, आज सुबह तुमने क्या खाया, ये क्वेश्चन है। आंसर आपका है अद्य अहम अद्य प्रातः काले फलम अखादत, मैंने फल खाया, आज सुबह मैं क्या खाया, तो लिखेंगे फल खाया, जो जो खाए हैं उसको लिख देना। पांच नंबर क्वेश्चन में है त्वं कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन आता है। आंसर है अहम और यहाँ आपको डैश छोड़ा हुआ है, इति क्षेत्र निवसांसि, यानी हम कहाँ रहते हैं। अब सवाल है हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, दोनों ऑप्शन में से कोई एक लगा देना है। शहरी क्षेत्र में कहाँ रहते हैं, तो गुलाबबाग में रहते हैं। कोई ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं, कहाँ, तो गुलाबबाग में रहते हैं या रहती है। कब समय, कितना समय हुआ, क्या समय हुआ है बोल सकते हैं, इस समय को हमको बताना है। इदानी सात वादनम, अभी कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। बच्चों जितने समय बजते हैं उतना हम लिख करके वादनम लिख देंगे, 5 बजे रहेगा तो लिखेंगे हम पंच वादनम, 10 रहेगा तो 10 वादनम, 6 बजेगा षष्ठ वादनम, इस तरह से हम वादनम दे करके आंसर दे सकते हैं। अब है सातवां प्रश्न को दिनांक अद्य, आज कितनी तारीख है, कितना तारीख है, तो हम उसको अद्य अप्रैल मासस एकादश, यदि हम आंसर में मेरा है एकादश, एकादश मीन्स होता है 11, तो 11 कौन महीना है, अप्रैल, 11 अप्रैल है। अब है आठवां प्रश्न आपका आद्यम ताम, इसका मतलब हुआ हम सब आए या हम सब चले, हम सब आवे। 10 नंबर में 9 नंबर में है उपविश्यताम, उपविश्यताम मतलब हम सब बैठ जाए, और 10 में है स्वागतम, स्वागतम आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, या हम लोग लिख सकते हैं आपका हार्दिक स्वागत है। 11 नंबर प्रश्न में है एतत् सुंदरम, यह सुंदर है, ये भी लिख सकते हैं, या यह शोभनीय है। ये पाठ आपका संस्कृत का पार्ट 1 में व्यवहार वार्तालाप पाठ था, व्यवहार वाक्यानी, जो आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे क्लास में फिर आगे सरस्वती